साथियों, अभी जनविश्वास यात्रा में हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ में हम लोग चल रहे हैं। भागलपुर से जमुई पहुंचने के क्रम में एक खबर आती है कि हमारी एक विधायिका को बीजेपी पटका पहनाती है और स्पीकर साहब जगह भी अलॉट कर देते हैं। तो वो एक लहर जो हमने देखा 20 तारीख से, जिसका अंदाजा शायद हमारे भाजपा के धन्ना सेठों को भी है और गुजराती थैली के मनोविज्ञान को भी है, उस थैली का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर राजद ने हजारों विधायक अपने जन्मकाल से पैदा किए हैं, जिसके साथ जन समर्थन होता है ना, वो धन्ना सेठों की थैली के गुलाम बन गए विधायकों की चिंता नहीं करता है। जन समर्थन जो मिल रहा है तेजस्वी जी को, वो इतना अभूतपूर्व है जिससे नींद उड़ी हुई है जदयू की, और खास तौर पर दिल्ली से लेके गुजरात से लेके बिहार के बीजेपी नेताओं की। इसलिए उनके धन्ना सेठों के मनोवैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि ये करो, खबर बहुत बड़ी बन रही है तेजस्वी की। और माननीय स्पीकर साहब सब कुछ देख रहे हैं, हम तो जाएंगे स्पीकर साहब के पास गुहार लगाएंगे। ये ओपन एंड शट केस है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ये कभी नहीं होता है कि चार विधायक आप जगह वहां अलॉट कर दें। कोई समझ नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की। लोकतंत्र पे डकैती करने की अगर ये विधा आपने विकसित की है तो जनाब ये बिहार है। बिहार ने लोकतंत्र के पाठ बड़े बड़ों को पढ़ा दिए, आप तो किस खेत की मूली हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले को जो लोग अभी उधर गए हैं, सनद रहे, सदस्यता तो आपकी कुछ दिनों में चली जाएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात इतने स्पष्ट हैं कि कोई स्पीकर उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। मेरी बात मानिए, कोई स्पीकर, और बल्कि कोई स्पीकर अगर करने की कोशिश करेगा तो इतिहास में उनका नाम उन स्पीकरों में दर्ज होगा जिसके नाम लेने से लोग परहेज करते हैं संसदीय लोकतंत्र में। सनद रहे, मैं दोबारा कहता हूँ, इस जनविश्वास यात्रा ने जो लहर पैदा की है ना, उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नौकरी का मतलब तेजस्वी घर घर तक पहुंच गया है, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये दो चार विधायक इधर उधर करके डरा लोगे, कमरे में बंद कर दोगे लोगों को ना। अब लोकतंत्र सड़क पे आ गया है, सदन का चरित्र बदल देगा, और जो रहनुमा बने बैठे हैं ठेकेदार, उनको तो ये कह दें आपके ठेके की दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है।